सर, इसके साथ ही आपने भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा बसपा कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात करते हैं, वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, कभी उनका हक देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार समर्थन दी है, सबका साथ सबका विकास किया है, और पूरे प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, ये समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए हम लोग जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव हमारी सरकार थी तब हम जीते, 2024 में भी 80 की 80 लोकसभा सीटें इसलिए जीतेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना को केवल चुनावी मुद्दा नहीं बनाती, सबका साथ सबका विकास, मतलब जो समाज इस पूरे राज्य के अंदर रहता है, पूरे राष्ट्र के अंदर रहता है, अगर वो गरीब है तो गरीब की हमारे लिए कोई जाति नहीं है, उसके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, अगर उसके पास रहने का घर नहीं है तो उसे आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको जो जरूरी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध होनी चाहिए। इस एजेंडे पे हम काम करते हैं और जनता की अदालत से बड़ी अदालत लोकतांत्रिक देश में कोई नहीं होती है, और उस अदालत का फैसला भाजपा के पक्ष में है, इसलिए ये सब चुनावी सिगुफे छोड़ रहे हैं, इनके सिगुफे का कोई असर नहीं है, जनता ने पूरी तरह से ऐसी मानसिकता वालों को नकार दिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।